दोस्तों, आज हम बात करेंगे GW 451 गेहूँ की, कितना उत्पादन देता है, कितने पानी लगते हैं और भी बहुत सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, किसान भाई, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। दोस्तों, आप सोयाबीन, मक्का व कोई अन्य फसल धान को छोड़कर उस खेत में गेहूँ लगाते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन धान के खेत में गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। दोस्तों, जो गेहूं में अन्य फसल के बाद लगाता था वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर निकलता था। आज हम वो गेहूं धान के खेत में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 18 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, बहुत सारी नई वैरायटी आ गई हैं, कौन सी लगाएं और कौन सी नहीं। दोस्तों, पिछली साल मैंने एक नई वैरायटी लगाई थी जिसने 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दिया। दोस्तों, कई बार कोई वैरायटी आपकी मिट्टी व एरिया को सूट नहीं करती। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल के हिसाब से 3 क्विंटल गेहूं की बोनी की थी तो मेरे को नुकसान कम होगा। किसान भाई, आप कोई नई वैरायटी लगाएं तो अपने आसपास के एरिया में किसान ने लगाई हो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितना उत्पादन दिया। दोस्तों, अगर आप कोई नई वैरायटी लगा रहे हैं तो प्रैक्टिकल के हिसाब से लगाएं, जिससे कम निकले तो कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े और गेहूं अच्छा निकले तो अगली साल के लिए बीज बन जाए। दोस्तों, मैं भी एक किसान हूँ, 5 से 6 महीने आप खेत में काम करते हैं और उत्पादन कम निकले तो बहुत दुख होता है। इसीलिए कोई नई वैरायटी लगाएं तो प्रैक्टिकल के हिसाब से लगाएं। पिछली साल GW 451 गेहूँ मेरे मित्र ने धान के प्लाट में लगाया था, 10 एकड़ में 230 क्विंटल का उत्पादन दिया था। मैंने उन्हीं से बीज लिया और इस साल मैं 451 गेहूँ लगा रहा हूँ। दोस्तों, इसका उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इस वैरायटी में पानी की बात करें तो किसान भाइयों, 3 से 4 पानी में अच्छा उत्पादन देती है। इसका दाना बड़ा आकार का होता है, दाने में चमक होती है और दाना भारी होता है। दोस्तों, 451 वैरायटी पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि कितना पानी दिया, खाद के साथ क्या क्या मिलाकर डाला और आखिर में कितना उत्पादन दिया 451 गेहूँ ने। दोस्तों, समय समय पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।